आवश्यकता होती है, कोई मेले हैं, त्यौहार है या कोई अन्य कोई कैरेक्टर पब्लिक डिमांड आती है तो उस पर हम लोग अपनी सेवा प्रदान करते हैं। दार उदार नहीं है, मैं एक बात कर रहा था कि हम इंटीरियर में अपनी अपनी सेवा देते हैं। हम निजी ऑपरेटरों का एक ध्येय बनकर रह गया है कि सब टारगेट HRTC को करो, क्योंकि एक सरकारी संस्था है, नियमों के मुताबिक चलती है, उसका सारा रिकॉर्ड जो ब्लैक एंड वाइट है, परंतु उनको अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए HRTC को टारगेट करने का उद्देश्य एक उनका रहता है, वो हमेशा करते हैं और करते आए हैं। परंतु अब समय आ गया है कि HRTC का कर्मचारी उनकी इस भ्रामक बयानबाजियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा, और HRTC की अस्मिता पे अगर कोई सवाल उठाएगा, प्रश्न करेगा, तो हम किसी भी कीमत पे जो है उसको नहीं बख्शेंगे, वो चाहे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हमको अपनाना पड़े, उसके लिए हम तैयार है। बिल्कुल उनका स्वागत है, आए चले न्यायालय में, न्यायालय उन्हीं के लिए नहीं है, न्यायालय में हम भी जा सकते हैं और हम जाएंगे। यदि अगर कोई हम पे प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश करेगा, जाएंगे, वहाँ भी अपना पक्ष रखेंगे। एक्चुअली में जिस प्रक्रिया को ये कह रहे हैं उसमें एक जो सेक्शन है उसमें कहते हैं कि जो टेम्परेरी परमिट है ये 4 महीने के लिए दिया जाएगा, परंतु उसमें साथ में क्लेरिफिकेशन भी साथ में ये है कि ये जब तक ये पब्लिक डिमांड आपकी जारी रहेगी तब तक ये परमिट अलाइव रहेगा। और जब ये अभी एक हमारी जो स्टेट की जो पॉलिसी भी है जो पब्लिश होनी है, जो 2017 से माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, और यदि वो पब्लिश हो जाती है तो हमारी जो कहना जितनी भी जो बसें हैं अपने आप उनको जो परमिट जो है अलाइव हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ये लगता होगा कि कहीं सरकार इनके दबाव में आके अगर HRTC का पक्ष नहीं रखेंगे तो HRTC का कर्मचारी स्वयं वहाँ पहुँचेगा।